हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि बेबी बाजी की भव्य का एपिसोड 34 का प्रोमो जो है लॉन्च हो चुका है। गुज़िश्ता केस में आपने देखा कि अज़रा के भाई के घर जो है वो बेटा होता है और वो वहाँ पर रुकने के लिए जाती है और एक हफ़्ते के बजाय 2 हफ़्ते रुक जाती है, जिसका जमाल को बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, लेकिन वो कहता है कि वो घर को जो है इग्नोर कर रही है और निगलेक्ट कर रही है और घर वालों की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही। यहाँ पर उसकी भाभी जो है अपनी नंद अज़रा की बहुत तारीफ़ें करती है कि तुम्हारी वजह से मुझे रातों को आराम मिल रहा है, तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी। जिस पर वो कहेगी कि हाँ मुझे जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन 2-3 दिन में और जो है यहाँ पर रुक जाती हूँ। यहाँ पर पप्पू जो है वो जमाल के आगे पीछे फिरती है और घर के निज़ाम को अपने हाथ में और कंट्रोल में ले लिया है। घर के निज़ाम को ऐसे बजट के साथ लेके चल रही है ताकि पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके। यहाँ पर नसीर जो है वो अपनी बीवी असमा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे कहता है इतनी देर क्यों हो गई, जिस पर वो समझती है कि वो उस पर शक कर रहा है, लेकिन वो उसे समझाता है कि मोहब्बत में और एहसास में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पर जमाल का बेटा जो है वो आलू बैंगन नहीं खाता और भूखा सो जाता है और पिज़्ज़ा की फरमाइश करता है, जिस पर जमाल पहले तो गुस्से से उसे मना कर देता है, लेकिन उसे नींद से उठाकर पे कहता है चलो पिज़्ज़ा मंगवाते हैं और सब पार्टी करते हैं। और यही पार्टी जो है उसके तमाम भाई जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा ले लेकर जो है एंजॉय करते हैं और खुश होकर खाते हैं कि आज जमाल भाई की जेब से पैसे निकले। यहाँ पर सायरा का जिक्र निकलता है, जिस पर ये लोग जो है बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं और फरहत को आगे वासिफ बताता है कि पहले जमाल भाई जो है उसके पीछे सायरा पड़ी हुई थी और वो कैसे उसके साथ जो है वो जाकर चाट खाते थे। यहाँ आसमा जो है बुटीक में हिसाब किताब करती है तो उसे हेरा फेरी नज़र आती है, जिस पर वो अपनी जो है क्लाइंट है उसको पूछती है और सायरा से भी पूछती है, तो सायरा जो है वो सारा इल्ज़ाम जो है बुटीक के मैनेजर पर डाल देती है, जिस पर आसमा उसे कुछ नहीं कहती लेकिन उन्हें सख्ती से ताकीद करती है कि सबसे जो है पैसे निकलवाए जाएँ। यहाँ पर जो है फरहत जो है वो वलीद के साथ मिलकर समन को लेकर कहीं पॉलर जाना चाहती है, जिस पर जो है शहनाज बेगम फ़ौरन इजाज़त दे देती है, लेकिन वलीद जो है वो समन को लेकर कहीं घूमने के लिए जाएगा जो पोल जो है वो अगली किस्त में पकड़ी जाएगी, जिस पर शहनाज बेगम अपनी बेटी से कहेगी कि तुम तो पॉलर गई थी फरहत के साथ, ये तुम्हारा हुलिया इतना उजड़ा हुआ क्यों है। और आशी भी कह देगी कि फरहत भाभी तो जो है वो घर पर है। यहाँ पर देखा जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में कि जब अज़रा घर आएगी और घर का निज़ाम अपने हाथ में लेगी तो जमाल कहेगा कि घर का तमाम राशन जो है वो आ चुका है और अब से घर का निज़ाम जो है पप्पू ही चलाएगी, जिस पर अज़रा देखती रह जाएगी और तमाम घर वाले भी देखते रह जाएंगे। और क्या कुछ होता है नेक्स्ट एपिसोड में, चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।